यार डैश कैम की जो भी आपने क्लिप देखी है ना, ये जस्ट अभी अभी हुआ है। अभी मैं घर से निकला हूँ। जो मेरे भाई 2-3 व्लॉग से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बताया कि तबियत वगैरह खराब नहीं, तो हालत भी थोड़ी ऐसी हो रखी है। कोई व्लॉग वगैरह नहीं कर रहा था मैं, और ये ना दूसरी बार हुआ है। एक और क्लिप भी मेरे पास पड़ी है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। वैसे तो मरते हैं, हद ही है वैसे, इतने माड़े हाल है ना भाई। अब देखो, कूल वगैरह बनने के लिए मैं बोल दूंगा कि निब्बी है, ये है, वो है, बट नहीं भाई, अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे वर्ड्स ना मैं यूज भी नहीं करूंगा। नहीं तो आपने भी देख लिया भाई, अंडर एज ही थी, ठीक है ना, हेलमेट था, और मुझे नहीं पता डैश कैम में क्लैरिटी कैसी आएगी भाई, कैसी नहीं। मतलब फोन में तो ठीक ठाक दिख रहा है, बट हाँ भाई, अंडर एज थी। और वो भी छोड़ो, चलो मान गए भाई, सोसाइटी है, अंडर एज वगैरह हम भी अपनी उम्र में भाई चलाते थे, जो है बात मैं आपको ब्लंटली बताता हूँ, ठीक है। बट सीन देखा आपने, और गई वो आगे ही है, ऐसा नहीं कि उसने इधर उधर कहीं पे जाना, और वैसे रास्ता भी नहीं था, कैनाल्स वगैरह ही हैं, घर वगैरह ही हैं उधर। इधर से सीधा चल के फिर लेन चेंज कर ली। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उधर से आ रही है तू, तो इधर क्यों आ गई भाई। अगर मैं ब्रेक ना मारता ना, आई स्वेयर ठुक जाती। और अगर डैश कैम ना होता, वो आपको पता ही है क्या होता क्या ना होता। पहला, लड़की है तू, लड़का है, तेरी गलती होगी। अगर डैश कैम ना होता तब की मैं बात कह रहा हूँ, तभी मैं पुरानी वीडियोस में भी हमेशा बोलता हूँ डैश कैम लगवा लो भाई, स्पेशली अगर आप एक लड़के हो और आपको भी पता है रियलिटी क्या होती है। इक्वालिटी बस बोलने के लिए, इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है भाई। लड़कियों का पक्ष ज्यादा लोग लेते हैं, उनकी साइड भाई भारी ही रहेगी, चाहे कुछ कर लो आप, कितना भी, मतलब कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो लड़कियों की साइड भारी रहेगी। तो मैं वही बता रहा हूँ, अभी हो जाता ना भाई सीन, कार का नुकसान होता वो अलग, ठीक है, चलो इंसान का भी नुकसान होता है, बट गलती उसकी है भाई, मैं वो बात कह रहा हूँ आपको। बट नाम मेरे पे आता है कि भाई इसने लड़की को ठोक दिया, लड़की की स्कूटी ठोक दी। समझ रहे हो ना भाई, हाल कितने बेहाल है। 2-3 मिनट तो ना मैं मतलब यही सोच रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ना समझ ही नहीं आया। अब मैं आराम से चल रहा हूँ भाई अपना, सामने से लड़की आ रही है, मतलब पहले इधर की साइड से ही आ रही है। एक बार मैं ऐसे कैमरा कर देता हूँ, अब आपको अच्छे समझ आएगा। वैसे आपने वीडियो भी देखा ही यार, बट स्टिल अगर आप नहीं समझे, इधर की साइड से आ रही है, मतलब कि रोड पे लेन होती है ना, मान लो कि इधर लेन लग रखी है, ठीक है जी, वो इधर की साइड से आ रही है और ऐसे आ गई, सीधा ही मेरी कार पे बज रही है। ब्रेक मारी मैंने तो भी वो इधर से ऐसे होके निकल गई भाई। बट सेंस थी यार इस बात की कुछ, आप खुद ही देखो यार, कितने हाल बेहाल है यार लड़कियों के। मतलब कि यार अब मैं बोल नहीं चाहता इन डिटेल की क्या ड्राइविंग है क्या नहीं, और मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा भाई। अगर कोई लड़की वगैरह देख रही है, अगर कोई बड़े हैं वो पता है भाई, उन्हें भी समझ होगी कि कैसे चलाना कैसे नहीं, बट भाई ये लड़की भी छोटी उम्र की लग रही थी, मतलब कुछ सेंस नहीं थी भाई। डैश कैम है तो ठीक है, अगर डैश कैम नहीं है और ऊपर से आप लड़के हो, कार चला रहे हो आज के टाइम में सड़क पर, तो बुरे हाल है भाई। कोई एक्सीडेंट हुआ आपके ऊपर नाम आएगा, डैश कैम लगवा लो, अगेन मैं ये बोलूंगा। और अगर कोई लड़की वगैरह, मेरी बहन भाई ये वीडियो देख रही है, थोड़ा आराम से चला लिया करो, अगर नहीं चलानी आती मत चलाया करो। और अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज स्कूटी वगैरह मत दो भाई, साइकिल सुइकल दे दो, वही ठीक है, वो सीख जाए पहले, फिर स्कूटी वगैरह दे दो। बाकी तो एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक की यार अपनी मर्जी होती है, बट जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ। और इसके थ्रू स्पेसिफिकली जो मेरे भाई बंधु देखते हैं, क्योंकि 91% जो हमारी ऑडियंस है ना वो मेल है, तो उनको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है आज के टाइम में। अगर आप एक लड़का हो और कार चला रहे हो भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, जो हुआ है ना वो तो अभी तक नहीं डाइजेस्ट हो रहा। भले आपको लग रहा हो भाई छोटी सी चीज थी क्या हो गया, बट भाई यही कह रहा हूँ, अगर ठुक जाती ना कार तो बहुत कुछ हो जाता। और सोसाइटीज में तो ये होता है कि इतनी सी बात हुई इतनी बड़ी हो जाती है भाई, मतलब फ्रॉम नोवेयर, मतलब कि इधर बात स्टार्ट हुई दूसरे मोहल्ले तक बात चल जाती है। सोसाइटीज में तो ये हाल है भाई। बट ऑन अ पॉजिटिव साइड में यही सोच रहा हूँ, ठीक है भाई, बच चुका हूँ, कार को कुछ डैमेज वगैरह नहीं हुआ है। और हाँ, हालत भी आप देख सकते हैं, पानी का भाव तो है ज्यादा, बट बारिश वगैरह नहीं हुई तो ठीक है। अभी बस पुल बन जाए यार, पुल नहीं बन रहा है तो हमें ट्रैवल वगैरह करने में, मतलब कि चंडीगढ़ पंचकूला, मतलब कि सोसाइटी से बाहर जाने में दिक्कत वगैरह आ रही है। जल्दी से पुल वगैरह बन जाए तो ठीक है। उधर पुल टूट रखे, लास्ट लोग अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पे देख लेना। एंड जो ये अभी हुआ ना भाई, इसे भी प्रोसेस करने में ना 2-3 मिनट और लगेंगे, जो मुझे लग रहा है। मतलब कि भाई स्कूटी ऑलमोस्ट क्रैश थी, अगर मैं ब्रेक ना मारता ना ऑलमोस्ट क्रैश थी भाई। एंड एक चीज़ हो रहा है भाई, सोचो मेरी लेफ्ट से भी कोई व्हीकल आ रही होती, क्योंकि लेफ्ट से भी लोग ओवरटेक कर ही लेते हैं ना स्कूटी वगैरह के, तो बस बजना ही बजना था। बुरे हाल है, बट एनीवे यार ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। अब धीरे धीरे भाई तबीयत भी ठीक हो रही है। जो जो मेरे भाई इंस्टा पे पूछ रहे थे भाई, थैंक यू सो मच इतना ख्याल रखने के लिए, इतना मतलब कि जो बंदा पूछ ही लेना आपसे कि भाई तबीयत कैसी है, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। बट ठीक है यार, इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप जो मैं कहना चाह रहा था भाई आप लोग समझ गए होंगे। ड्राइव सेफली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगवा लो भाई। मैं आप सबको मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टाटा, बाय बाय।